सेक्टर का ये हमारा लास्ट वीडियो, जिस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टूरिज्म के आंकड़े से संबंधित, और उसके बाद एक मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। चलिए दोनों चीजों को देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड कंट्रीज, दुनिया में पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देश, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, वो पांच बड़े देश हम यहां पर देखेंगे। पहले नंबर पर है फ्रांस, दूसरे नंबर पर स्पेन, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर इटली, और इसी रैंकिंग पे अगर हम कंटिन्यू हुआ है तो 22वें नंबर पर इंडिया आता है। ठीक है, तो ये पांच दुनिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले मोस्ट विजिटेड प्लेस, मोस्ट विजिटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सिटीज, किस सिटी में, ये तो कंट्री होगा या ऊपर वाले नीचे वाले में देखेंगे, सिटी वाइज सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट है वो कहां जाते हैं। सबसे ज्यादा सिटी जो घूमने लोग जाते हैं वो हांगकांग, इट इज फॉलोड बाय बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, तीसरे नंबर पे लंदन जो कि यूके में है, चौथे नंबर पे मकाओ, चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, और पांचवें नंबर पे सिंगापुर। ये पांच मोस्ट टूरिस्ट सिटीज, ठीक है, सिंगापुर एक सिटी भी है और सिंगापुर एक कंट्री भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वो अपने आप में एक छोटा सा सिटी स्टेट है सिंगापुर। फिर हम देखेंगे मोस्ट विजिटेड इंडियन स्टेट्स, भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन विदेशी पर्यटकों में से सबसे ज्यादा किस राज्य में उनकी संख्या होती है, तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा तमिलनाडु, जो हमने पिछले आंकड़े बताए थे कि वर्ष 2019 में 11 मिलियन लोग भारत घूमने आए, तो उस 11 मिलियन में से जो है विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक दोनों को मिलाकर के तमिलनाडु में 392 मिलियन लोग जो है वो घूमने आते हैं, देशी प्लस विदेशी दोनों मिलाकर, यानी जितना टूरिज्म होता है इंडिया में उसका 21% तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे यूपी 285 मिलियन 14.2%, तीसरे नंबर पे कर्नाटका 215 मिलियन जो कि 10.75% है, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश 195 मिलियन जो कि 10% है, और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र जो कि 125 मिलियन के साथ 7.5%। तो ये पांच मोस्ट विजिटेड स्टेट्स से इंडिया की, मोस्ट विजिटेड सिटीज ऑफ इंडिया, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। नंबर एक आगरा, नंबर दो दिल्ली, नंबर तीन जयपुर, नंबर चार हम्पी कर्नाटक में है, और नंबर पांच गोवा। मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, किस स्मारक को सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। ताजमहल एक नंबर पे, आगरा फोर्ट दो नंबर पे, कुतुब मीनार तीसरे नंबर पे, फतेहपुर सीकरी ये भी उत्तर प्रदेश में है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, कुतुब मीनार दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा ये जो है कुतुब मीनार के पास ही है दिल्ली में, ठीक है। चलिए तो ये पांच हो गए, अब हम और कुछ जानकारी देखते हैं। मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्मारक मॉन्यूमेंट्स, पहला है नोट्रेडम, पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, दूसरे नंबर पे ग्रेट वॉल चाइना, तीसरे नंबर पे ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे एफिल टावर पेरिस फ्रांस में, पांचवें नंबर पे लिंकन्स मेमोरियल। तो पांचवें नंबर पे लिंकन्स मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसी सीरीज में दसवें नंबर पे है ताजमहल। अगर हम दुनिया का देखें तो ताजमहल इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन
टेंथ मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। चलिए हम देखते हैं मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? देश विदेश के लोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने के लिए यदि किसी देश में जाते हैं और वहां वो अपना ट्रीटमेंट भी कराते हैं और साथ में टूरिज्म का भी आनंद लेते हैं तो इसको मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। मीन्स टूरिज्म बाय एनी पीपल इन एनी कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। India has emerged as a preferred healthcare and wellness destination for patients across the globe. पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया भर के देश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है healthcare और wellness center के रूप में। भारत में medical tourism की बहुत ज्यादा potential है, बहुत ज्यादा opportunities है। क्यों है? हम उसके कारणों पर चर्चा करें। पहली बात, मेडिकल टूरिज्म को भारत में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कैसे प्रमोट किया जा रहा है? हमने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना रखी है आयुष, जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री हमने बना रखी है। बाहर से आने वाले लोगों को हमने एम वीजा यानी मेडिकल वीजा, जो कि काफी आसान शर्तों में मिल जाती है, दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाओं का जो है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड्स चीपेस्ट हेल्थ केयर, दुनिया के खासकर जो विकसित देश है, यदि हम विकसित देशों की बात करें तो वहां पर विकासशील और कम विकसित देश जो है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, अफ्रीकन कंट्रीज, ये अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए विकसित देशों में, यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में नहीं जा सकते। उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया में चीप हेल्थ केयर अवेलेबल होता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया इज वर्ल्ड लीडर इन जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, दवाइयां दो प्रकार की होती है, एक स्टैंडर्ड मेडिसिन, एक जेनरिक मेडिसिन। दोनों में फर्क ये होता है कि जेनरिक मेडिसिन पेशेंट लेस होता है, इसमें कुछ मतलब पेटेंट लेस होता है, इसमें पेटेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जेनरिक मेडिसिन से इनके कंपोजिशन वही होते हैं जो एक स्टैंडर्ड दवाई के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बुखार के लिए हमें पैरासिटामोल खाना है तो पैरासिटामोल एक स्टैंडर्ड दवाई है, उसकी कोई दूसरी दवाई बाजार में होगी जिसमें सारे केमिकल सारे कंपोजिशन वही होंगे लेकिन वो कोई दूसरे नाम से बिकेगा और वो काफी कम कीमत पर अवेलेबल होते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री ने यही बात बताई है कि भारत में ज्यादातर डॉक्टर्स पेशेंट्स को जेनरिक मेडिसिंस लिखें और पेशेंट्स भी दवाई दुकानों से जेनरिक मेडिसिंस लेने की बात ज्यादा ढंग से कबूल करें। ठीक है, तो एक तो ये जेनरिक मेडिसिन में हम लोग वर्ल्ड लीडर है और दुनिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है और जेनरिक मेडिसिंस भारत में काफी कम कीमत पर अवेलेबल होती है। फिर है वेरियस अल्टरनेटिव्स। वेरियस अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है, सॉरी, उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जब कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में आता है, चाहे वो बिजनेस पर्पस से आए या मेडिकल टूरिज्म करने आए, एक बात को ध्यान रखता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसी है। अगर वो सारी चीजें पॉजिटिव मिलती हैं तो वो उस देश में आना प्रेफर करता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है। थोड़े मोड़े कमी बेसी सब जगह पाए जाते हैं लेकिन फिर भी वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इन सब बातों को वही जो है मैटर करती है। वेरियस अल्टरनेटिव्स, वेरियस अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि मेडिसिन सिस्टम की जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ढेर सारे भारत में उपलब्ध है। जैसे भारत में आने वाला व्यक्ति आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट ले सकता है, योगा के माध्यम ट्रीटमेंट ले सकता है, सिद्धा के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, इसके अलावा और भी सॉइल कल्चर वगैरह होते हैं, तो और ऐसे कई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो जो उस व्यक्ति को चीपेस्ट हो, सुटेबल हो, उसकी बीमारी के हिसाब से सुटेबल हो, उस हिसाब से वो जो है मेडिकल सिस्टम को ऑप्ट कर सकता है। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स दुनिया में
भारत में सबसे ज्यादा अवेलेबल है। सपोर्टिंग एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, हमारे देश का माहौल भी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया चले जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, कुछ जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है मध्य प्रदेश वगैरह इनको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ के थोड़े से गर्मी भी बहुत तेज होती है और सर्दी भी बहुत तेज होती है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। साउथ इंडिया में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के कारण मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक एवरेज देखें तो भारत का पेशेंट को सपोर्ट करने वाला, ताकि वो जल्दी ठीक हो, और प्लीजेंट क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। किसी प्रकार का हार्श क्लाइमेट, जैसे कि हम यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए तो वहां 12 महीने ठंडक जैसा माहौल रहता है। यदि हम इक्वेटोरियल बेल्ट में चले जाए तो वहां पर ह्यूमिडिटी 12 महीना बनी रहती है। तो इस प्रकार से कोई अनकंफर्टेबल क्लाइमेट यहां पर नहीं पाया जाता। ठीक है, नो लॉन्ग वेटिंग लिस्ट, मतलब भारत में जब पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास, अपने आप को एडमिट करना चाहता है किसी हॉस्पिटल में, तो उसको लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं मिलती। ठीक है, जबकि विकसित देशों में आप जाएं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा लंबा वेटिंग समय आपको अपने डॉक्टर और हॉस्पिटल को नहीं देना पड़ता। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स, अभी कोविड-19 के समय में भी 15,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए, ध्यान नहीं मुझे डाटा, लेकिन लगभग 15,000 या 25,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की भारत सरकार ने बात की है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भारत अब तेजी से काम कर रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसमें जो बैक लॉग्स हैं, उनमें जो कुछ कमियां हैं, उनको उनमें भी अब लगातार हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार जो है वो ला रही है। स्किल्ड मेडिसिन पर्सनल, भारत के डॉक्टर दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, भारत की नर्सेस, ठीक है, भारत का जो मेडिकल स्टाफ है वो दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो हमारे पास स्किल्ड मेडिसिन पर्सनल्स माने कुशल चिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी, इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्सेस, देयर हेल्पर्स, ये सब की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिच हेरिटेज ऑफ वेलनेस, भारत की एक परंपरा रही है स्वस्थ रहने की, तो इस परंपरा को भी हमने प्रमोट किया है योगा के माध्यम से, और भी तमाम प्राणायाम है। ठीक है, एक छोटे मोटे एक्सरसाइजेस है घर पे। दूसरी बात, हमारे भारत में या भारतीय संस्कृति में हमारे लाइफ का जो डेली रूटीन बना हुआ है वो अपने आप में इतना साइंटिफिक है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ठीक है, फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज करना, ये तमाम चीजें हमारे विरासत में शामिल है। ठीक है, चलिए, वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में भी जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी जिसको कहते हैं, उसके भी वेरियस ब्रांचेस इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए, पेडेस्ट्रियन बच्चों के लिए गैस है ना, और आपका स्टमक रिलेटेड गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के डिफरेंट मेडिसिन की फील्ड है, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ लिया है, तो एलोपैथी में भी मेडिसिन की जो डिफरेंट फील्ड हैं वो सारे के सारे सुविधाएं जो है, चाहे ऑर्थोपेडियन की बात करें, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें, ठीक है, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पर स्किन केयर है, डर्मेटोलॉजी है, ये सारे अवेलेबल हैं भारत में और बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल। ठीक है, इसके अलावा पैरामेडिकल ग्रोथ, मेडिकल को सपोर्ट करने वाली जो पैरामेडिकल, जैसे एक्सरे की ट्रेनिंग कोर्सेस है, ब्लड सैंपल्स है, तो उससे सपोर्ट करने वाले जो वेरियस टाइप ऑफ लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, उनको पैरामेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये पैरामेडिकल का ग्रोथ भी भारत में बहुत तेजी से हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, और एक भारी मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे पास में अवेलेबल है, यानी ब्लड सैंपल कलेक्शन, उसकी चेकिंग करना, एक्सरे, और भी डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए वर्क फोर्स की हमारे पास कमी नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, पिछले कुछ दिनों में मेडिकल इक्विपमेंट के जो इंडस्ट्री है, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, और भी विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, मशीन्स चलती हैं, अब भारत अत्याधुनिक तरीके से इन सारी चीजों का निर्माण भारत खुद कर रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अत्याधुनिक, ठीक है, इस पूरे अंग्रेजी वर्ड का हिंदी में मतलब होता है अत्याधुनिक, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड, मोस्ट लेटेस्ट। तो दुनिया भर में जो मोस्ट लेटेस्ट चीजें चल रही है मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में, उसको भारत बनाने में खुद कैपेबल है, और हमारी इंडस्ट्री
इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है कि मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत सारी चीजें हम अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और काफी पिछले दिनों से इंजीनियरिंग में एक ब्रांच भी ओपन कर दिया गया है, मेडिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी लोग बीटेक वगैरह करते हैं, बी करते हैं, और वो जाकर के डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेसमेकर बनाना है, ठीक है, और भी डायलिसिस के इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, तो वो सारे भारत में अब बनने लगे हैं। जैसे ग्लूकोज का जो वो डिजिटल आता है, ग्लूकोज की मात्रा मापने के लिए डायबिटीज के पेशेंट यूज करते हैं, तो इस प्रकार की तमाम चीजें कुल मिलाकर के भारत में बनने लगा है, ठीक है। अगली बात है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में मेडिकल टूरिज्म के लिए जाता है तो वो ये भी देखता है कि वहां मुझे जो रहना खाना है वो कितना सस्ता पड़ेगा, वहां ट्रांसपोर्टेशन कितना सस्ता पड़ेगा, वहां वीजा फीस मुझे कितनी सस्ती पड़ेगी, ठीक है, और कुल मिलाकर के वहां मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो मुझे कितनी सस्ती पड़ेगी, इन सारी चीजों को टोटल कैलकुलेट करके उसको यदि सबका चीज जहां पर सबसे कम आता है वो ज्यादा अफोर्डेबल होता है, तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट में सही उतरता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है, होटल्स वगैरह भी सस्ते हैं, रहना खाना भी सस्ता है, ठीक है, पर्यटन भी सस्ता है, मेडिकल तो है ही सस्ता, तो कुल मिलाकर के इन टर्म्स ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म सभी चीजों की अफोर्डेबिलिटी इंडिया में है, ठीक है। वाइडली स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, देश विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, मान लो इटली से कोई आता है और हम इटालियन तो नहीं जानते लेकिन हम इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, तो भारत में वेल नोन इंग्लिश ग्रुप जो है वो अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ के MBBS डॉक्टर्स नर्सेस दे आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीजें जो है जो विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उसको लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर नहीं होता, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, भारत सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को और मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। रिड्रेसल ऑफ मेडिको लीगल केसेस, यानी मेडिकल से जुड़े हुए कोई लीगल केसेस हैं उनको भी भारत में काफी तेजी से निपटाया जा रहा है, तो कोई लीगल डिस्प्यूट बचता नहीं है, जल्दी उसका निपटारा होता है, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे सरोगेसी है जिसमें भारत पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है, और सबसे ज्यादा सरोगेसी का जो केसेस है वो भारत में होता है, दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ सरोगेसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में भारत बहुत तेजी से अब विकसित हो रहा है, इसलिए मेडिकल टूरिज्म की भारत में अपार संभावनाएं हैं, और जहां कहीं कमी है उसको भारत सरकार तेजी से दूर कर रही है। इस COVID-19 के समय में भी भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। इसके पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला करके, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा COVID-19 के चलते बहुत सारी ऐसी चीजों का भारत ने खुद पर प्रोडक्शन करना शुरू किया है, जैसे भी हाइड्रोक्लोरोक्वीन है जो एक COVID-19 में एक अच्छी दवाई साबित हो रही है, उसको भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को, नॉर्थ कोरिया को जो है एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो पीपी किट हम बनाते नहीं थे, अब भारी मात्रा में बनने लगे हैं, वेंटिलेटर बनने लगे हैं, तो ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज इस COVID-19 के समय में इंडिया को मिले हैं, जिसमें हमने अपने मेडिकल सेक्टर को ना केवल ग्रो किया है बल्कि प्रूव किया है, और नए नए प्रयोग अभी भी भारत में चल रहे हैं, दवाई की, फार्मास्यूटिकल की नई नई कंपनियां जो COVID-19 की वैक्सीन बनाने में काम कर रही है, उसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे का है, ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके वैक्सीन COVID-19 कोरोना की वैक्सीन के थर्ड ट्रायल को पार कर चुके हैं, और लगभग अब उनकी वैक्सीन भारत में और पूरी दुनिया में उपलब्ध होने वाली है। तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मेडिकल क्षेत्र में बहुत तेजी से चल रहा है, डिफरेंट लेबोरेटरीज खोले जा रहे हैं, नए एम्स की स्थापना की जा रही है, तो कुल मिलाकर के हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से रिफॉर्म हम कर रहे हैं। इन सब के कारण भारत में मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये तो सारी हमारी मेडिकल टूरिज्म की ताकत हो गई, अब हम कुछ वीकनेस की बात करते हैं कि क्या हमारे मेडिकल टूरिज्म में या हेल्थ सेक्टर में कुछ कमी भी है। कमी तो बहुत है, वो हम जब पर्टिकुलर हेल्थ देखेंगे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ मेडिकल टूरिज्म के कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो लेस डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, जितने ज्यादा संख्या में भारत में पेशेंट्स हैं उसकी तुलना में जो डॉक्टर्स हैं वो काफी कम है,
यानी हमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, एक मुद्दा यह भी होता है कि जब बाहर के लोग भारत में ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो आने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर वो उतनी लंबी जर्नी वापस करके जाएं, वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग इशू उनके लिए होता है। तो वो प्रेफर करते हैं अपने आजू बाजू की कंट्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल करा लिया जाए। ठीक है, ये एक चैलेंज है। इससे हालांकि अब आजकल अत्याधुनिक दवाई गोलियां बन रही है जो आपके सर्जरी और पोस्ट ट्रीटमेंट में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने देती। फिर है मेडिकल माल प्रैक्टिसेस, कुछ मेडिकल में दुर्व्यवहार, कुछ गलत तरीके से काम किया जाता है, ठीक है, ये भी एक चैलेंजेस है। फिर कॉमर्शलाइजेशन, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कुछ वीकनेसेस हैं। अब थ्रेट्स देखते हैं। थ्रेट क्या है? न्यूअर एग्जॉटिक इन्फेक्शन डिसीजेस, ये हमारे मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर के लिए एक जो है एक थ्रेट के रूप में काम करता है कि नए नए बैक्टीरिया वायरस बॉर्न डिसीजेस आर्टिफिशियली या नेचुरली पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते लोग एक देश से दूसरे देश में आना जाना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। इससे मेडिकल टूरिज्म भारत का प्रभावित हो सकता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, जिस प्रकार की ट्रीटमेंट भारत में अवेलेबल है, हालांकि दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें जैसे स्पा है, नेचुरोपैथी है, ये थाईलैंड वगैरह मलेशिया सिंगापुर जैसे देशों में भी अवेलेबल है, और लोग वहां की जो टूरिज्म फैसिलिटी है वो थोड़ी सी इंडिया से ज्यादा अच्छी है, इसलिए लोग थाईलैंड वगैरह जाना भी प्रेफर करते हैं। तो हमें थोड़ी कोशिश ये करनी है कि जो सुविधाएं थाईलैंड में मलेशिया जैसे में दी जाती है, वो सारी सुविधाएं हम अपने यहाँ लोगों को प्रोवाइड करें। इलीगल परचेज ऑफ ऑर्गन्स एंड ट्रांसप्लांटेशन भी एक जो है भय है, एक थ्रेट का इशू है, क्योंकि सर्जरी वगैरह के बहाने कहीं कुछ आपके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, इलीगल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ये तमाम चीजें, ठीक है। फिर है राइज इन इलीगल एंड फ्रॉड केसेस, मेडिकल क्षेत्र में इलीगल और फ्रॉड केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग मेडिकल कानून नियम वगैरह होने की जरूरत है, तो इन थ्रेट से हम ओवरकम हो सकते हैं। तो ये हो गया मेडिकल सेक्टर, जिसमें हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ दोनों इसमें है, वीकनेस हो गया, थ्रेट हो गया। अब हम देखते हैं ओवरऑल मेडिकल सेक्टर में, सॉरी ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए हम क्या कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो वही कॉमन सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, रोड, सड़क, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये तमाम चीजें भारत में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये तमाम चीजें हमें इस पर बन करना है। फेवरेबल एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी, भारत सरकार द्वारा ऐसी टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए जो टूरिस्ट को फेवर करती हो और उनके लिए फ्लेक्सिबल। फिर लिबरल वीजा रिजीम, वीजा रिजीम जो वीजा व्यवस्था है भारत को उसको थोड़ा लिबरल करना चाहिए, उसकी फीस वगैरह कम करनी चाहिए, उसमें लगने वाले टैक्सेस वगैरह थोड़ा सा कम करना चाहिए। इंप्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोकसिंग ऑन अनटैप्ड एरियाज, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र छूट गए हैं जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वहां पर अभी ध्यान नहीं गया है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, वहां ध्यान देने की जरूरत है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म एंड अदर न्यू फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो अपने देसी पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है, मेडिकल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म और भी नए प्रकार के जो टूरिज्म निकल के आ रहे हैं जिनमें अपार संभावनाएं हो सकती हैं, इन सारे टूरिज्म को भारत में विकसित करने की जरूरत है। ये ओवरऑल आपका सजेशन है। इसी के साथ हमारा टूरिज्म सेक्टर आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें मुझे लगता है शायद 100 वीडियो के आसपास खाली उसी में बन जाएगा, और मैं इतना डिटेल से यहां पर पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी में भी काम आता है और आपके जो है इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, ठीक है। तो पूरा मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, तो यहां पर उससे इंडस्ट्री पॉलिसीज, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहां पर इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका इंडिया ईयर बुक, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट्स की वेरियस पॉलिसीज, ये सारी चीजें कवर करते हुए हम आगे बढ़े। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी की तैयारी करते समय हम किसी भी चीज को सब्जेक्ट के दायरे में नहीं बांट सकते,
ठीक है, जैसे आप कहें कि सर ये मेडिकल टूरिज्म जो है ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, पॉलिटिकल आपका पॉलिटी का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो इसको कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल नियम कानून लगते हैं, तो पॉलिटिकल भी मैटर है क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के लिए कोई ना कोई नियम कानून तो बनी होगी भारत में, तो ये पॉलिटिकल मैटर भी है। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म से फॉरेन अर्निंग होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, लोगों के आय में मदद मिलती है, रोजगार मिलता है, तो इकोनॉमिक्स का मुद्दा भी है। ठीक है, भारत के डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में मेडिकल टूरिज्म किया जाता है, तो ज्योग्राफी का मुद्दा भी है। ठीक है, अब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी मुद्दा है। तो ऐसा किसी टॉपिक को हम इस नजरिए से ना देखें कि ये सर तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं यार, इसमें ये बीच में हिस्ट्री कहां गुजर दी है, बीच में इकोनॉमिक्स का मैटर कहां गुजर दिए, तो इस प्रकार की बातों को नहीं सोचना है। आपका लक्ष्य यूपीएससी की तैयारी के लिए ये होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो वो इतना कंप्लीट हो जाए, फिर वो चाहे ज्योग्राफी से मिलता हो, चाहे इकोनॉमिक्स से मिलता हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर से मिलता हो, वो टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए हर एस्पेक्ट से। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे इंडस्ट्री शुरू करिए। थैंक यू।